हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 45 तक देख चुके हैं, जो हमारा एंट्रेंस पेपर है क्लास 9 का, सेशन 2020 एंड 21। तो इस वाले सेशन के अंदर हम मोस्टली वो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस पेपर में आएंगे और आने के चांसेस उनके ज्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन का आने के लिए। तो देखिए, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, क्यूब रूट निकालना है हमें इसका 15625। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे आंसर इसके गलत निकालते हैं। मैं इसको आपको बहुत ही अच्छा स्टेप और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा इसका आंसर निकालना कैसे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यहीं पर लिख देते हैं इसका आंसर। तो हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, यानी कि 15625 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। किससे जाएगा ये, 5 से, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर दोबारा 5 से जाएगा, 5 छम 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब देखिए कितना हो गया, ये 5 एकम 5, ठीक है, ये हमारा कट गया। अब यहां लिख लेते हैं हम लोग के क्यूब रूट किसका, हमें क्यूब रूट निकालना है 15625 का, ठीक है। इसको 3 छोटा रहेगा ये, ठीक है। अब ये कितने बार में गया है, ये 6 बार में गया है। कितनी बार में गया है, 6 बार। अब हमें यहाँ पे 3 के पेयर लेने हैं, यानी ये 5 को 3 5 लेना है, उनमें से एक हमें निकालना है, उसी को हम क्यूब रूट कहते हैं। तो देखिए, एक 5 इसमें से निकलेगा, एक 5 इसमें से निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 का क्यूब मल्टीप्लाई विद 5 का क्यूब, तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 25 का क्यूब। अब यहाँ पे हमें ये हटाना है, स्क्वायर जो है हमें ये हटाना है, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखिए, इसकी पावर 1/3, तो यहां से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा 25, और यही इसका आंसर हो गया। देखिए कितना अच्छा था और कितना इजी वे में आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 25। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1 यूनिट, ठीक है, देन द पेरिमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि इसने एक साइड दे दी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, कितनी दे दी, 1 यूनिट। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते किसे हैं, उसे कहते हैं जिसके तीनों साइड इक्वल रहती हैं और जिसके तीनों एंगल बराबर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो दे दिया हमें एक साइड दे दी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब ये बोल रहा है कि पैरामीटर क्या होता है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी साइड लेंथ को, तो हमारा पैरामीटर निकल करके आ जाता है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो आइए निकालते हैं इसका आंसर। तो गिवन में इसने क्या दे दिया हमें, साइड दे दी, ठीक है, गिवन में क्या दे दिया इसने हमें, साइड दे दी, इसने साइड दे दी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 यूनिट। और पेरिमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, पेरिमीटर ये होता है 3 इंटू साइड लेंथ। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो 3 इंटू साइड लेंथ हमें कितनी दे दी इसने, 1 यूनिट, तो कितना हो गया ये, 31 यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल है, ए हो जाएगा, 31 यूनिट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ यूनिट के टर्म में आप कभी 3 × 1 कर दें, वो 1 यूनिट दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, ठीक है, 48 क्या है। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, ताकि आप क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं तो उसका आंसर भी आराम से आप निकाल सकते हैं जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो क्या कहने की कोशिश की गई है कि
कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव, तो कितने जो है वो डायगोनल्स रखता है, कौन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव। तो मैंने इसके नीचे आंसर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। देखिए, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर विद इंटीरियर एंगल ऑफ लेस देन 180 डिग्री ईच एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल कंटेन्ड विद इन द शेप इट हैज गॉट टू डायगोनल्स। देखिए आप समझिए कि हमारा ये क्या होता है, ये एक चार साइड का फिगर होता है जो कि जिसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री हो सकता है या उससे कम हो सकता है। इसने बोला ना इक्वल टू 180 डिग्री या उससे कम, ठीक है। तो इसके अंदर इसने बोला था कि कितने डायगोनल्स होते हैं, तो दो डायगोनल्स होते हैं किसके अंदर, एक हमारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टू कितना हो जाएगा, टू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। देखिए आप लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो मैं आपको छोटी सी चीज बताता हुआ चलता हूं कि लीनियर इक्वेशन के अंदर कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिससे ये हमें पता चलता है वो हमारा लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के अंदर आप सबसे पहले चीज चेक करेंगे कि एक्स की पावर कितनी है। अगर मान लीजिए कि एक्स की पावर 1 है वो हमारा लीनियर इक्वेशन है, और अगर इक्वल टू के अंदर कुछ भी दे रखा है, कंडीशन है कि हमारी एक्स की पावर 1 होनी चाहिए और इक्वल टू का साइन आना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा। तो इसके अंदर कौन सा नहीं है चेक करते हैं। तो देखिए 2x plus 5 is equals to 7, ये तो है क्योंकि इसकी x की पावर 1 है और equal to का साइन भी है। नेक्स्ट देखते हैं x की पावर यहाँ पे देखिए कितनी है, 1 है, माइनस 7 बराबर 0 और equal to का साइन भी है, तो ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि 5x की पावर कितनी है यहाँ पे 1 और equal to का साइन दे रखा है, ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी। बट यहाँ पे आप चेक करिए 6x plus 7 इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, हालांकि यहां पर x की पावर 1 है बट सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया इसका आंसर, यानी कि 6x plus 7 जो है हमारा एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी मेजरमेंट कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, यानी कि कितने मेजरमेंट ऐसे हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली। तो 5 वेज ऐसे हैं जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि ए क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाया जाता है, मतलब यूनिकली कैसे उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 5। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो अब इसको इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।